कालेधन को सफेद करने का मास्टरमाइंड पारस मल्होड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी पारस मल्होड़ा देश छोड़कर भागने की फिराक में था। लोढ़ा पर कर्नाटक के व्यवसायी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का आरोप है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले ही शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद रेड्डी के ठिकानों से तकरीबन 130 करोड़ नगद, जिसमें 34 करोड़ के नए नोट और 177 किलो सोना बरामद हुआ था। सीबीआई ने कालाधन बरामदगी के मामले में कारोबारी शेखर रेड्डी को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रेड्डी को विशेष अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने 3 जनवरी तक सीबीआई हिरासत में उन्हें भेज दिया है। वहीं लोढ़ा पर ईडी भी लगातार नजर बनाए हुए था। ईडी ने ही एक एलओसी भी खुलवाया हुआ था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते ही पारस मल्होड़ा विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक लोढ़ा को बुधवार की रात दिल्ली लाया गया है। आज पारस मल्होड़ा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ईडी की टीम उन्हें कोर्ट से रिमांड पर लेना चाहती है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। पारस मल्होड़ा कोलकाता में अनेक मामलों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। पारस मल्होड़ा पर 500 और 1000 के पुराने नोटों के 25 करोड़ की रकम को नए नोटों में बदलने का आरोप है। नोटबंदी के 50 दिन लगभग खत्म होने वाले हैं और काले कारोबारियों की धरपकड़ तेज हो गई है। देखते रहिए डीबी लाइव।